नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मतलब बेस्ट एडिटिंग फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर जो है मतलब लिनक्स, यानी कि उबुंटू अगर कहे तो। लिनक्स में उबुंटू की आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एक मिनट। हाँ, तो उसका नाम है बेसिकली जिम्प। ये बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फॉर लिनक्स, और लिनक्स के लिए ही नहीं विंडोज़ के लिए भी ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री में। अगर आप बात कीजिएगा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़, तो उसमें आ जाता है फोटोशॉप। लेकिन फ्री में अगर बात कीजिएगा कि फ्री कौन सा है, तो उसमें जिम्प आता है, ठीक है। तो चलिए हम जिम्प इंस्टॉल करते हैं फिलहाल अपने मतलब उबुंटू सिस्टम में। एक्चुअली में हम मेरे पास ऑलरेडी है जिम्प, क्या कहते हैं, विंडोज़ में। मेरा फोन मतलब पीसी ड्यूअल बूट में है, तो इसलिए जो है सो ऑलरेडी मेरे पास जो है सो जिम्प है, इसलिए हम इंस्टॉल शायद ना करें, लेकिन हम आपको बता देंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको गूगल पे जाना है, सिंपली सर्च करना है जिम्प, उसके बाद ऊपर में ही आ जाएगा जिम्प GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम www.jimp.org, उसका URL है। तो www.jimp.org पे जाइए अगर आपको डायरेक्ट जाना है, तो या सीधे टाइप कीजिए ना jimp.org, अपने आप ले लेगा, www टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है सबसे ऊपर में, उस डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। उस डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद खुलने दीजिए, यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट। अगर आपका उबुंटू सिस्टम है तो जिम फॉर यूनिक्स लाइक सिस्टम डायरेक्टली आ जाएगा, और यहाँ पे है इंस्टॉल जिम्प फ्लैट पैक, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस पर क्लिक कीजिए। आप टोरेंट के द्वारा भी कर सकते हैं या डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, या एमएसओएस मैकओएस जो होता है, मैकओएस का जो एक्स वाला है मैवरिक्स, उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। या ऑल अगर दिखाना है तो सभी के लिए भी है, खैर ऐसे तीन ही प्लेटफॉर्म के लिए है ये। तो हमको क्या करना है, लिनक्स के लिए फ्लैट पैक इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद रुक। हाँ, तो वापस आ गया, बिल्ली जो है सो परेशान कर रही थी। तो बेसिकली आपको करना ये है कि फ्लैट पैक इंस्टॉल करना है उसका जिम्प का, और उसके बाद आप उस फ्लैट पैक को इंस्टॉल करने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे exe फाइल को क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल होगा। लेकिन बात यह है कि हर एक मतलब जो है आर्किटेक्चर जो है सो फ्लैट पैक को सपोर्ट नहीं करता हर एक सिस्टम। देखिए यहाँ पर दिए हुए आर्किटेक्चर i386, ये जनरली 32 बीट है। उसके बाद x86 या 64 बिट है, ARM होगा या ARC64, इस सब आर्किटेक्चर जो है जनरली सपोर्ट करता है। अगर आपके पीसी में अगर आप फ्लैट पैक पे क्लिक करते हैं और अगर कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं करता है कि इंस्टॉल करने का ऑप्शन, तो आपको टर्मिनल ओपन करना है बेसिकली, ठीक है। और टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पे एक दिया गया है नीचे में, उसके नीचे कमांड फ्लैट पैक इंस्टॉल जो भी है ये लंबा सा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा। और जो है सो पेस्ट करने के बाद इसको बेसिकली इंटर मारना है, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो यही करना है, उसके बाद ये जब प्रोसीजर हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट करना है कि फ्लैट पैक रन, ये नेक्स्ट कमांड है। इसको जो है सो बेसिकली जो है सो कॉपी करके फिर से पेस्ट करना जब वो कंप्लीट हो जाए तो। और उसके बाद थर्ड कमांड जो है सो बेसिकली आपको करना है फ्लैट पैक अपडेट वाला कमांड, ठीक है। ये तीनों कमांड आप रन कीजिएगा, उसके बाद जिम्प आप में इंस्टॉल हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दा पे कि जिम्प आप ऑफिशियल साइट से क्यों इंस्टॉल करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, ना कि आप सीधे सॉफ्टवेयर सेंटर में भी जाके जो है सो जिम्प इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी सर्च कीजिएगा जिम्प आ जाएगा, आ जा जा, पता नहीं क्यों सॉफ्टवेयर सेंटर में जब भी सर्च मारते हैं तो पता नहीं खुलने में क्यों टाइम लगता है। देखिए आ गया जिम्प इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, इमेज मैनिपुलेशन, तीन रिजल्ट आ गया, तीनों अलग अलग रिपोजिटरी से होगा मेरे ख्याल से। खैर जो भी हो, तो हम आपको रिपोजिटरी से डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर सेंटर से, इसका मेन रीज़न है कि उसमें पुराना वाला जिम्प होता है, ठीक है। लेटेस्ट जिम्प आपको उसके ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगा,
जो कि फ्लैट पैक में है, जैसे कि ओपन शॉट के केस में भी ओपन शॉट एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उबंटू के लिए, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको जानना है तो उसके मेरे वीडियो देखिए जाके उबंटू, मतलब इस पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी होगा। तो बेसिकली जो है सो वो भी जो है सो यूनिवर्सल पैकेज को जो है मतलब कहने का मतलब कि आप जो है सो जितने भी मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे कि जिम्प हो गया या ओपन शॉट हो गया, वो लिनक्स के लिए यूनिवर्सल पैकेज बनाते हैं। ऐसा पैकेज जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें, वो लिनक्स मिंट हो या लिनक्स फिडोरा हो या काले जो भी लिनक्स हो, सब पे काम करें, इसीलिए वो लोग यूनिवर्सल पैकेज बनाते हैं। तो फ्लैट पैक भी एक यूनिवर्सल है जो हर एक चीज़ पे काम करेगा, लिनक्स के हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसीलिए आपको उबंटू पे तो काम करता है वैसे, तो बेसिकली आपको यही इंस्टॉल करके करना। अगर आपको कुछ नहीं प्रॉम्प्ट करे तो आप जो है ये जो प्रोसीजर बताया नीचे वाला वो आपको करना है, ठीक है। तो और आपको पता चलेगा कि मतलब बेसिकली आपको क्यों नहीं जो है सो रिपोजिटरी से यानी कि उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर से डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यही प्रोसीजर था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।